मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की मुसीबतें पहले ही बढ़ी हुई हैं। सदस्यता चली गई और अब पटना के सिविल कोर्ट में भी उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक परिवाद पत्र दायर किया था जिस पर ट्रायल चल रहा है। आज राहुल गांधी को पटना के सिविल कोर्ट में MP MLA कोर्ट में उपस्थित होना था लेकिन वो नहीं हो सके। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, कह सकते हैं सुशील मोदी के वकील और जो कि SG संजय जो है वो सीनियर वकील है, हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आज राहुल गांधी को उपस्थित होना था, क्या हुआ पूरे मामले? इस केस में 18 मार्च 2023 को एक अंतिम समय अवसर प्रदान किया गया था श्री राहुल गांधी जी को उनके सेक्शन 313 CRPC के तहत बयान दर्ज किए जाने के लिए। उन्हें आज सदैव उपस्थित होना था, परंतु ऐसा मालूम पड़ा है कि उनके अधिवक्ता के द्वारा 317 का पिटीशन डाला गया है। हमारे तरफ से इस का विरोध किया जाएगा, हमारे तरफ से भी एक पिटीशन दाखिल किया जा रहा है जिसमें हम इस चीज़ का विरोध करेंगे और कोर्ट से यह प्रार्थना करेंगे कि वो उनके खिलाफ वारंट निर्गत करें, उनका बेल बाउंड कैंसिल करें, वारंट निर्गत करके उनकी सदैव उपस्थिति को न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित करें। आखिर उनके वकील ने क्या कहा, 307 को जो पिटीशन उन्होंने कहा क्या? अभी इस केस में बहस नहीं हुई है, कुछ समय के थोड़ी देर के बाद इसमें बहस होनी है, देखते हैं कि न्यायालय का इस पर क्या फैसला आता है। आप लोग कह रहे हैं कि उनका बेल कैसे कैंसिल कीजिए चूंकि वो न्यायालय का उन्होंने आदेश नहीं। देखिए, अगर कोई अक्यूज 313 CRPC के तहत कोर्ट के समक्ष अपीयर नहीं होता है और बार बार हमारा यही सबमिशन है कि वो इंटेंशनली इस चीज को डिले कर रहे हैं। आज राहुल गांधी केरल, जैसे हमें जानकारी है कि केरल के वायनाड शहर में रोड शो कर रहे हैं और यहाँ पर कोर्ट में वो 317 का आवेदन दे रहे हैं। कोर्ट के द्वारा बार बार उनसे समय की मांग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस मामले को लिंगर करना चाह रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करने जाने हैं आज और देखते हैं कि न्यायालय इस पर अपना क्या फैसला देता है। लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी को उपस्थित होना था लेकिन राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। ये सब हमारे साथ वकील थे सुशील मोदी की, निशांत प्रिया, उन्होंने कहा कि हम लोग राहुल गांधी के उस पिटीशन का जो वकील ने दिया 317 के तहत कि उन्हें छूट दिया जाए, हम उसका जमकर विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय से कहेंगे कि किसी भी हालत में जमानत रद्द की जाए और उनकी उपस्थिति कराई जाए। सहयोगी राजेश के साथ मधुबाल पटना।